आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं केरल के एक ऐसे मंदिर के बारे में जो कि काफी प्रसिद्ध है, और इस मंदिर की ऐसी कई बातें जुड़ी हुई हैं जिन्हें जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे। बता दें आपको, ये मंदिर एक नदी के किनारे मौजूद है। इस मंदिर का नाम है मुथप्पन मंदिर। ये मंदिर देखने में बेहद ही खूबसूरत है। हमारी इस रिपोर्ट में आप देख ही रहे होंगे कि ये मंदिर कितना सुंदर बना हुआ है, और नदी के किनारे है तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ के लोगों की मान्यताओं के अनुसार श्री मुथप्पन देव इष्ट देव यहाँ के लोक देवता हैं, और ये वैदिक देव नहीं माने जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इन्हें भगवान विष्णु और शिव जी से भी जोड़ते हैं। जी हाँ, बता दें आपको कि यहाँ पर मुथप्पन मंदिर के आराध्य देवता श्री मुथप्पन हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ के ईष्ट देव हैं और शिव और भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ऐसे में हमेशा कमजोरों के हितों की रक्षा यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उनके लिए निःशुल्क भोजन और रहने का साधन है। दर्शन के बाद दोने में उबला हुआ साबुत मूंग दाल और साथ में चाय दी जाती है, जिसे प्रसादम कहा जाता है। वहीं अगर बात की जाए इस मंदिर की, तो इस मंदिर के कई ऐसे रोचक तथ्य हैं। इस मंदिर को पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ पर भगवान मुथप्पन के वाहन हैं। मुथप्पन मंदिर अपने थियम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ के लोक नृत्य की बात की जाए तो थियम और कथकली यहाँ का मिलता जुलता एक लोक नृत्य है। लोग यहाँ पर कई तरीके की कथाओं को प्रस्तुत करते हैं। वहीं इस मंदिर के बारे में अगर बात की जाए तो ये स्थान केरल के कन्नूर जिले के तलिरम्पा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहाँ पर नज़दीकी रेलवे स्टेशन कन्नूर है जो कि 20 किलोमीटर है। ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ के एयरपोर्ट की, तो यहाँ का एयरपोर्ट कालीकाट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि लगभग 136 किलोमीटर है, जिसके जरिए आप आसानी से इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तो आपको ये मंदिर कैसा लगा, इस मंदिर के बारे में जानकर कैसा लगा, ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ से प्रांशी की रिपोर्ट।